तभी अचानक माही ने सेजल की तरफ देखकर उसे कहा, सेजल तैयार हो जाओ, कल शाम को 8 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने वाले हैं। मैंने पहले से ही अनुषा को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भेज दिया है। सेजल, जो कि फोन पर हो रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातों को सुनकर टॉर्चर महसूस कर रही थी, अचानक जब उसने माही की कही ये बात सुनी तो उसका दिमाग हिल गया और उसने मन ही मन में कहा, कल शाम 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि बॉस ने ये सब क्लैरिफाई करने का तरीका निकाल लिया है। फोन पर विक्रम से बात करते हुए माही ने उसे कहा, ठीक है तो फिर मैं इस फिल्म की शूटिंग से कुछ दिनों की लीव के लिए अप्लाई कर देती हूँ। विक्रम ओबेरॉय ने फोन के दूसरी तरफ से माही से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे करंट लोकेशन के पास वाले किसी होटल पर ही होगी, तो तुम अपना काम खत्म करने के बाद वहां जा सकती हो। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर माही हैरान लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि विक्रम ने वाकई में सारे रिपोर्टर्स को ऐसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है, मेरा विक्रम तो वाकई में काफी कूल है। जब माही ने फोन पर विक्रम ओबेरॉय से बात करने के बाद अपना फोन काटा तो सेजल इतनी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी कि वो ऊपर नीचे कूदने लगी और फिर उसने मन ही मन में कहा, मुझे अपने बॉस की काबिलियत पर शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मैं कितनी गलत थी। सेजल ने एक्साइटेड दिखते हुए माही से कहा, माही ब्रो, विक्रम सर तो काफी कूल और काफी कंसिडरेट है। सेजल ने फिर मन ही मन में कहा, हमारी माही ब्रो बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो फिर उसे किसी और की गलती के लिए हर्जाना भुगतने की क्या जरूरत है। जिस किसी ने भी चाहा कि माही ब्रो की जिंदगी में आग लग जाए और लोग उसके खिलाफ बात करने लगे, अब उन्हें ही इसका रिएक्शन झेलना पड़ेगा। अब जबकि वो लोग गॉसिप क्रिएट करने में इतने इंटरेस्टेड हैं, तो हम उन्हें असली गॉसिप दे देते हैं। विक्रम ओबेरॉय के माही को इन्फॉर्म करने के बाद ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिस रिलीज किया, जिस पर ये लिखा था कि वो कल शाम 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने जा रहे हैं, जो कि शहर के फोर सीजंस होटल पर कंडक्ट किया जाएगा। वक्त आने पर वो लोग माही के लेटेस्ट और सो कॉल्ड स्कैंडल को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इस खबर से पूरा का पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने फाइनली पब्लिकली रिस्पॉन्ड कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां कंडक्ट होने वाला था वो शहर से काफी दूर था, तो इसीलिए सारे इनवाइटेड मीडिया वाले जल्दबाजी में वेन्यू पर पहुंचने के लिए निकल गए। अगली सुबह माही काफी देर तक सोती रही और फिर वो हमेशा की तरह शूटिंग लोकेशन पर जाकर अपना काम कंटिन्यू करने लगी, क्योंकि आज माही के कई सारे सीन नए एक्टर्स के साथ शूट होने वाले थे और नए एक्टर्स के पास एक्सपीरियंस कम था, तो इसीलिए डायरेक्टर रोहन धवन की डिमांड काफी हार्श थी, जिसकी वजह से शूटिंग के दौरान कई सारे बैड टेक्स हुए। जब तक माही का काम खत्म हुआ तब तक 7 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ 7 बजे के करीब फोर सीजन होटल के बाहर कई सारे रिपोर्टर्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे। वक्त बीत रहा था और देखते ही देखते 8 बज गए, मगर माही सिन्हा की तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव का कोई नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर्स आपस में बातें करने लगे, ये सब क्या हो रहा है, आखिर उनकी टीम में से कोई आया क्यों नहीं है, आई होप कि उन्होंने हमारे साथ कोई मजाक नहीं किया हो, नहीं तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि माही के अंदर यहां आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। मैंने तो पहले ही कहा था ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट काफी जिद्दी है और वो ये बात कभी नहीं मानेंगे, इस वीडियो में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि माही है और इस बात में कोई शक नहीं है। जब से उसकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई है तब से उसकी न्यूज पर फॉलो करने का इंचार्ज हमारे पेपर को दिया गया था, तो इसीलिए हम उसे काफी अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने उसे गलत पहचान लिया होगा। दरअसल मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाया होगा या फिर कोई लड़की माही जैसी ही दिखती है तो कम से कम उसकी शक्ल में थोड़ा सा तो फ्लॉ दिखेगा, मगर जो लड़की उस वीडियो में है, यहां तक कि उसके कान पर जो तिल है वो भी बिल्कुल सेम है, वो लड़की माही के अलावा कोई और हो कैसे सकती है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सारे रिपोर्टर्स की डिस्कशन के बीच होटल के बाहर एक व्हाइट कलर की कार आकर रुकी, तभी अचानक किसी ने याद किया कि वो गाड़ी ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की थी और अगले ही पल सारे कैमरास उस कार पर एम होने लगे और तस्वीरें क्लिक होने लगी। अचानक कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत बाहर निकली, उस औरत के लंबे कर्ली बाल थे और उसने पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उसकी स्किन टोन के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो सब लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। जैसे ही सारे रिपोर्टर्स ने माही को अपने सामने देखा तो उनके सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने पूछा, मिस माही, हाल ही में जो वीडियो और पिक्चर इंटरनेट पर एक्सपोज की गई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखा कि जो इंसान उस वीडियो में है वो आप नहीं हो, क्या ये बात सच है या फिर क्या आप झूठ बोल रही हैं? आपने कहा कि वीडियो में जो औरत है वो आप नहीं हो, क्या इस बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? सारे रिपोर्टर्स माही को घेर कर खड़े हो गए और एक के बाद एक वो कंटिन्यूअसली अपना सवाल फायर करने लगे। माही के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स और ज्यादा एक्साइटेड होने लगे और इस बात से कन्विंस हो गए कि उनकी जजमेंट बिल्कुल सही थी। बाकी लोग जो उस गाड़ी से बाहर निकले वो काले कलर के कपड़े पहने 2 बॉडीगार्ड थे और ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर थी। जब उन तीनों ने देखा कि माही को घेर लिया गया था तो उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने आगे बढ़कर किसी को रोकने की कोशिश की। वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स ने यह बात अच्छी तरह से नोटिस की और उन सबको लगा कि ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट अब माही को अपनी कंपनी से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने माही से पूछा, मिस माही, क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने सारे फैंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आप उनके भरोसे के काबिल हो? आपको प्राइवेटली इस तरह की गिरी हुई जिंदगी जीनी है, सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग भी करना है, आपने तो सच में हद पार कर दी, क्या आप आज यहां पर हमसे माफी मांगने आए हो?
जब सारे रिपोर्टर्स होटल की एंट्रेंस पर खड़े होकर एक के बाद एक माही को इंटरोगेट कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग प्लीज थोड़ा नाश्ता बना सकते हो? जिस इंसान ने यह कहा था वो कोई और नहीं बल्कि माही की असिस्टेंट सेजल थी। जब लोगों ने एक लड़की की ऐसी आवाज सुनी तो सारे रिपोर्टर्स ने रिफ्लेक्सिवली मुड़कर देखा और पीछे देखते ही सब दंग रह गए। सारे रिपोर्टर्स के पीछे तीन लोग खड़े थे, एक सेजल थी, दूसरी अनुषा थी और जो उन दोनों के बीच में थी वो कोई और नहीं बल्कि माही थी। फिल्मिंग प्रोसेस की वजह से सारे ग्रुप मेंबर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीसाइड की लाइफस्टाइल से अडॉप्ट हो चुके थे। काम खत्म होने के बाद भी उन लोगों ने गांव वाले कपड़े ही पहने थे और तो और आज की शूटिंग ज्यादा देर तक चलती रही और उनके पास टाइम बहुत कम था, तो इसीलिए माही ने अभी भी वही पहना था जो वो काम के बाद आमतौर पर पहना करती थी। उसने कैजुअली अपने बाल बांधे हुए थे और उसकी स्किन पर थोड़ा सा टैन दिखाई दे रहा था क्योंकि वो एक लंबे समय से धूप में काम करती रही। ध्यान से देखने पर लोग ये नोटिस कर पाते कि उसके हाथों की स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी थी। स्किन पर खेतों पर काम करने की वजह से थोड़े से स्कार्स बन चुके थे जो कि साफ दिखाई दे रहे थे। मगर इन सब के बावजूद भी माही इतनी अलग इसलिए लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी और काफी ब्राइट लग रही थी। माही के ऐसे काम बिहेवियर के बावजूद भी लोगों ने सबसे पहले उसकी अपीयरेंस और कपड़े पहनने के ढंग के बजाय उसकी प्रेजेंस नोटिस की। माही ने अपने सामने मौजूद सारे रिपोर्टर्स की तरफ देखा और उसने कामली और काफी पोलाइट तरीके से अनाउंस करते हुए कहा, आई एम सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से आप सबको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, मेरा काम आज थोड़ा देर से खत्म हुआ था। माही की कही ये बात सुनकर वहां मौजूद रिपोर्टर्स के बीच से किसी फीमेल रिपोर्टर ने एक्साइटेडली चिल्लाते हुए कहा, माही ब्रो, क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो? यही मेरी माही ब्रो है। जिस फीमेल रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए ये कहा था, माही उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वो फीमेल रिपोर्टर माही की बहुत बड़ी फैन थी और वो हमेशा माही को डिफेंड किया करती थी। ये बात जाहिर थी कि वो आज भी माही को डिफेंड करने के पर्पस से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आई थी। माही ने मुस्कुराकर उस फीमेल रिपोर्टर की तरफ देखा और माही को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वो रिपोर्टर काफी इमोशनल महसूस करने लगी और उस रिपोर्टर ने मन ही मन में कहा, किसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे माही ब्रो को किसी रोल के लिए अपनी हालत इससे भी बदतर करनी पड़े तब भी वो बेहद खूबसूरत लगेगी। एक इंसान के चेहरे को बदला जा सकता है मगर उसके बर्ताव को रातों रात कॉपी नहीं किया जा सकता। माही के वहां पहुंचते ही उसकी अलग अपीयरेंस और सेलिब्रिटी इमेज के बावजूद भी वहां मौजूद सब लोग एक ही पल में समझ गए कि जो औरत उनके सामने खड़ी थी वही असली माही सिन्हा थी। उसके बारे में सोचते हुए लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे और उन्होंने मन ही मन में कहा, तो फिर जो लड़की ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के व्हाइट कलर के कार से बाहर निकली, क्या वो फेक थी? इसके बारे में सोचते हुए सारे रिपोर्टर्स नकली माही को घेर कर खड़े हो गए और हैरानी के मारे उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई माही सिन्हा से इतना फेमिलियर लग सकता है। उस नकली माही के फेशियल फीचर्स और फिगर को देखकर यहां तक कि उसके कान के तिल तक वो लड़की हूबहू माही जैसी लग रही थी। पर अगर माही खुद वहां नहीं आती तो किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि वो माही नहीं बल्कि कोई बहरूपिया थी। इस बार इससे पहले कि सारे रिपोर्टर्स होश में आकर माही को घेर लेते तभी अचानक दोनों बॉडीगार्ड और पीआर डायरेक्टर ने पर्सनली माही को शील्ड करते हुए उसे अपने साथ होटल के अंदर ले गए। दूसरा बॉडीगार्ड नकली माही को भी अपने साथ होटल के अंदर ले गया। इस होटल की कंडीशन शहर जैसे होटल की बिल्कुल नहीं थी। होटल के मल्टीपर्पज हॉल में कई सारे लोग घुस गए थे, यहां तक कि कॉरिडोर में भी कई सारे लोग जमा होने लगे मगर किसी के अंदर कोई कंप्लेन नहीं थी। वहां मौजूद हर एक इंसान का पूरा अटेंशन स्टेज पर ही था। वो लोग असली माही की तरफ देखने लगे और फिर नकली माही की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की एफिशिएंसी हमेशा से ही टॉप नॉच रही है। उन्होंने टाइम वेस्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं। इसके साथ ही साथ उनके बिग बॉस ने खास करके अपने लोगों को इस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का ऑर्डर दिया ताकि उनकी लेडी बॉस आराम से अपना काम पूरा कर सके। पीआर डायरेक्टर ने एक सिंपल ओपनिंग स्पीच दी और फिर एक स्टाफ से कहकर पीछे रखा प्रोजेक्टर ऑन करवाया। प्रोजेक्टर के स्क्रीन की लाइट जलने लगी। स्क्रीन पर अचानक एक रिपोर्ट दिखाई देने लगी जो कि किसी इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल की थी। उसके बाद किसी प्रोफेशनल प्लास्टिक सर्जन के टर्म्स दिखाई देने लगे और फिर फाइनली स्क्रीन के एंड में दो चेहरों का ग्राफिक कंपैरिजन रिवील किया गया। एक चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से पहले का था और दूसरा प्लास्टिक सर्जरी के बाद का था। प्लास्टिक सर्जरी के बाद का चेहरा बिल्कुल माही जैसा दिख रहा था और सर्जरी से पहले वाला चेहरा अनएक्सपेक्टेडली ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की पुरानी ए-लिस्टर आर्टिस्ट पीकू का था। जब वहां मौजूद सारे लोगों ने प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखी तो लोगों से भरे होटल के उस मल्टीपर्पज हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद जब सारे रिपोर्टर्स अपने शौक से बाहर निकले तो लोगों के बीच काफी हल्ला मचने लगा। वो लोग नकली माही की तरफ देखने लगे और सबकी चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, ओ माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, वो औरत जो कि सर्जरी से पहले वाली तस्वीर में है वो तो पीकू है ना? हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड पर एक नाम लिखा है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि वो औरत पीकू ही है। रुको रुको, ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। व्हाट द हेल, ये नकली माही कोई और नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली पीकू ही है। ये तो मॉडर्न डे मैजिक ड्रामा जैसा लग रहा है।
कुछ वक्त पहले तक पीकू ने होने वाली मिसेस विक्रम ओबेरॉय के नाम से पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उसने लाइमलाइट को जैसे डोमिनेट कर रखा था और कोई उसकी तुलना करने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। फिर अचानक एक दिन खुद मिस्टर विक्रम ओबेरॉय ने पीकू को सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस किया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लंबे समय से स्टेबल रिलेशनशिप में है। इतना कुछ होने के बाद पीकू मानो इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। अब तक सबको ऐसा लगता रहा कि विक्रम ओबेरॉय को नाराज करने की वजह से पीकू को पब्लिकली अपियर होने से बैन कर दिया गया था, तो इसीलिए डर के मारे मीडिया वाले भी चुप रहे और उन्होंने पीकू के बारे में कुछ भी रिपोर्ट करने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसे में किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जब वो पीकू से दोबारा मिलेंगे तो इन हालातों में मिलेंगे कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पीकू जो कि एक लंबे समय तक गायब हो चुकी थी, उसने एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया और हूबहू माही की तरह दिखने के लिए अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो और माही जुड़वा बहनें थी, जो कि काफी भयानक लग रहा था। जब सारे रिपोर्टर्स धीरे धीरे करके अपने होश में लौटने लगे तो उन्होंने एक एक करके सवाल करते हुए पीकू से पूछा, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप सच में पीकू ही हो? और जो लड़की उन सारे वीडियोस में थी वो माही नहीं बल्कि आप थी? आखिर आपने माही को फ्रेम करने के लिए माही जैसे दिखने की प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई? क्या आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि माही ने आपको अपनी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया था और इसीलिए आप इस तरह से माही से बदला लेना चाहती थी? पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स ने इस सिचुएशन की पूरी डेवलपमेंट समझ ली। इसके अलावा उनका डिस्कशन पूरी तरह से लॉजिकल था। इन सबके बीच सारे रिपोर्टर्स को सिर्फ इतना नहीं पता था कि माही विक्रम ओबेरॉय की असली गर्लफ्रेंड थी, जिसे उसने ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की पार्टी के दौरान डिफेंड किया था, और यही वजह थी कि पीकू ने माही की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ऐसे में सारे रिपोर्टर्स के सवालों का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने नकली माही की तरफ देखकर कहा, मिस पीकू, प्लीज हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सारे रिपोर्टर्स के सवाल और जोर जबरदस्ती से पिंक ड्रेस में बैठी उस औरत का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। घबराहट के मारे उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। इस पॉइंट पर पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर काफी नाराज लगने लगा और उसने पीकू की तरफ गुस्से में घूरते हुए देखा। इसकी वजह से पीकू ने अपना सिर उठाया और वो सबकी तरफ देखने लगी। उसका डेलिकेट और खूबसूरत चेहरा सबके सामने दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से सब लोगों के बीच दोबारा हल्ला मचने लगा। तभी अचानक उस बड़े से हॉल में सन्नाटा छा गया और सब लोग पीकू की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ बोलने जा रही थी और कोई भी उसकी कही एक भी बात मिस नहीं करना चाहता था। इस पॉइंट पर सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी दूर आना वर्थ इट रहा। उनके पास इस वक्त जो न्यूज थी वो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को घुमाने के लिए काफी थी। वहीं पास में माही भी उस औरत को ठीक से स्कैन करने लगी, क्योंकि माही को अपने विक्रम पर पूरा भरोसा था, तो इसीलिए उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में विक्रम से कुछ भी नहीं पूछा। प्रोजेक्टर पर देखने के बाद ही माही को भी पता चला कि ये औरत असल में पीकू थी। इस पॉइंट पर माही उस अजीब से चेहरे की तरफ देख रही थी जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही था और उसके मन में एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगा। ये बात साफ थी कि माही इस बात से बेहद सरप्राइज थी कि पीकू माही से बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकती थी। जब पीकू ने सारे रिपोर्टर्स की नजरें अपने ऊपर महसूस की तो उसने रिफ्लेक्सिवली माही की तरफ देखा। इस पॉइंट पर माही की स्किन काफी ड्राई थी और उसने सादे से कपड़े पहने हुए थे। ऐसे में माही बिल्कुल भी पहले जैसी ग्लैमरस नहीं लग रही थी। माही की तरफ देखते हुए पीकू ने गुस्से में मन ही मन में कहा, चुड़ैल कहीं की, ये तो सिर्फ अपने चेहरे की वजह से यहाँ टिक पा रही है। इसके इस चेहरे के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ अवार्ड्स की मदद से इस औरत ने तो मेरा खेल बर्बाद कर दिया है। इस लड़की ने तो मेरी पूरी जिंदगी को ही एक मजाक बना लिया है। जब सारे लोगों ने देखा कि पीकू माही को घूर कर देख रही थी और काफी लंबे समय तक कुछ बोल नहीं रही थी, तो सारे लोग आपस में दोबारा डिस्कस करने लगे और फिर उसे बोलने के लिए फोर्स करने लगे। इस पॉइंट पर पीकू ने सबकी तरफ देखकर फाइनली कहा, मैं पीकू हूं। पीकू ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सब लोगों ने उसकी रिपोर्ट और तस्वीरें देख ली हैं और अब इस बात को छुटलाने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स इस बात से काफी क्लियर थे, मगर जब पीकू ने खुद इस बात को एडमिट किया तो सब हैरानी के मारे आपस में डिस्कस करने लगे, क्या सच में ये लड़की तो वाकई में पीकू है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? जब पीकू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकली तो अगर माही ने उसे रिप्लेस नहीं किया होता तो कोई और उसे रिप्लेस कर ही लेता ना, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पीकू ने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का इतना बड़ा कदम उठाया और माही को सेटअप करने की भी कोशिश की। ये लड़की तो वाकई में बहुत गिरी हुई है। और तो और सिर्फ माही का नाम खराब करने के लिए पीकू ने इतने सारे लोगों के साथ रात गुजारी। ओह माय गॉड, मैं तो इतना ज्यादा शॉक्ड हूं कि इस दुनिया पर से मेरा भरोसा ही उठ चुका है। जैसे ही सारे रिपोर्टर्स इन इंसिडेंट की पूरी स्टोरी को कंफर्म कर रहे थे, तभी अचानक भीड़ में से एक लंबे जर्नलिस्ट ने शक का कीड़ा पैदा करते हुए कहा, चलो मान लेते हैं कि ये लड़की पीकू ही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ साबित हुआ है ना? ये तो उसी की चॉइस है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर जैसा दिखना चाहती है दिख सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो में जो औरत है वो वाकई में पीकू ही है। अगर तुम लोग वाकई में ये बात शुरू करना चाहते हो तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने जानबूझकर पीकू को इस मामले में इन्वॉल्व किया है ताकि माही इस सिचुएशन से निकल सके। जैसे ही उस रिपोर्टर ने अपनी ये बात पूरी की तो वहां मौजूद बाकी सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने ये सब करवाया हो, और इसके बारे में सोचते हुए बाकी लोगों ने भी डिस्कस करते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने किसी के ऊपर ब्लेम डालने के लिए ये सब करवाया हो, ये कोई और भी तो कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल, मगर ये दोनों तो एक दूसरे से हूबहू मिलते जुलते हैं, ऐसे में असली और नकली के बीच फर्क पहचानना काफी मुश्किल है। जब उस लंबे जर्नलिस्ट ने देखा कि उसके शक के कीड़े की वजह से भीड़ में हल्ला मचने लगा, तो उसने मुस्कुराकर जानबूझकर पीकू से पूछा, मिस पीकू, क्या आप हमें बता सकते हो कि क्या ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पॉइंट पर पीकू ने कुछ सोचा और फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके इस रिएक्शन की वजह से हर एक रिपोर्टर के मन का शक कन्फर्म हो गया। इस पॉइंट पर पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने गुस्से में उस लंबे रिपोर्टर की तरफ देखा और फिर प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर दो और तस्वीरें दिखाई देने लगी। उनमें से एक पिक्चर आखिरी बार रिलीज की गई वीडियो से ली गई थी, जो कि माँ फिल्म के इन्वेस्टर और नकली माही के बीच इंटरनेट पर लीक आउट हुआ था। उस वीडियो में बेड साइड पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। जब उस वीडियो में वो आदमी हिला तो उसने एक्सीडेंटली फोन के ऊपर टैप किया और फोन की स्क्रीन लाइट ऑन हो गई, जिसकी वजह से फोन के डिस्प्ले पर एक्चुअल डेट और टाइम दिखने लगा। क्योंकि वो वीडियो काफी क्लियर थी, तो इसलिए उस फोन पर लिखा डेट और टाइम भी काफी क्लियरली दिखाई दे रहा था। जो दूसरी तस्वीर थी वो किसी सिक्योरिटी फुटेज की तस्वीर थी। उस पिक्चर में माही दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे की दूसरी तरफ एक औरत माही को अंदर इनवाइट कर रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी। पॉइंट ये था कि इस सिक्योरिटी फुटेज पर टाइम स्टैम्प लगा हुआ था और ये साबित हुआ कि वो टाइम पिछले तस्वीर पर लिखे टाइम से ओवरलैप था। इसका मतलब जो कुछ भी था वहां बैठा हर एक इंसान समझ गया। अगर माही की कोई जुड़वा बहन नहीं थी तो भला वो इन्वेस्टर के साथ और सोनिया के घर के दरवाजे पर एक ही वक्त पर कैसे पहुंच गई थी? तभी अचानक पीछे से सोनिया की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, उस रात मैंने माही को अपने घर पर इनवाइट किया था, मगर मैं ये बिल्कुल नहीं जानती कि वीडियो में जो औरत है वो कौन है। वहां मौजूद बाकी सबको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सोनिया वहां अचानक कैसे आ गई। सोनिया अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ स्टेज की तरफ गई और लोगों ने उसे देखते हुए एडमिरेशन के साथ कहा, अरे ये तो सोनिया मैडम है। अरे वाह, सोनिया मैडम भी यहां आई है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सोनिया का स्टेटस काफी सेल्फ एविडेंट था, कोई भी उसकी बातों पर शक नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड किया गया था उसे कोई झुठला भी नहीं सकता था। सोनिया इस बात को प्रूव करने के लिए वहां खुद आई थी। तभी अचानक किसी रिपोर्टर ने कमेंट करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो इंसान वीडियो में है वो माही ब्रो हो ही नहीं सकती। अब पूरी सच्चाई हमारे सामने है, माही ब्रो जैसे दिखने वाली कोई बहरूपिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनिया मैडम झूठ बोलेंगी। इस पॉइंट पर उस लंबे रिपोर्टर के चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी दिखाई देने लगी और उसने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, इन सब बातों से तो सिर्फ इतना प्रूफ होता है कि माही की हमशक्ल सिर्फ एक ही वीडियो में मौजूद थी, बाकी सबका क्या। उस रिपोर्टर की कही ये बात सुनकर बाकी सारे रिपोर्टर्स ने उसकी तरफ देखकर उसे कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जब हमें एक वीडियो से ही ये बात पता चल चुकी है कि वो लड़की माही नहीं थी, तो इसका मतलब यही है ना कि ये औरत माही को फंसाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मुझे तो शुरू से ही इस बात पर शक था, अगर माही वाकई में एक मैनिपुलेटिंग और चालाक इंसान होती जैसा कि लोगों से बुला रहे हैं, तो फिर वो ये सब करते हुए इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। इन वीडियोस को देखकर तो ऐसा साफ लग रहा है कि इसे क्लियरली कोई रिकॉर्ड कर रहा था और उसका पूरा फोकस लड़की के चेहरे पर ही था। क्या ये सब कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये सब खुद रिकॉर्ड करने की प्लानिंग की हो। पीकू ने वाकई में इस चीज की काफी लंबी प्लानिंग की और माही को ब्लेम करने की कोशिश की। और रही बात तुम्हारी, आखिर तुम किस मीडिया हाउस को बिलोंग करते हो, कहीं तुम भी पीकू के आदमी तो नहीं हो? जब उस लंबे रिपोर्टर ने देखा कि बाकी सारे रिपोर्टर्स की नजरें उसके ऊपर थी, तो अचानक उसकी बोलती बंद हो गई और खुद को ऐसी हालत में देखकर वो चुपचाप उस होटल के मल्टीपर्पज हॉल से बाहर निकल गया और बाकी सारे रिपोर्टर्स सोनिया से बात करने लगे। अब तक उस लंबे रिपोर्टर को ऐसा लगता रहा कि वो काफी सटल बिहेव कर रहा था, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे थे। और जैसे ही उसने होटल के बाहर अपना कदम रखा, तभी अचानक दो लंबे बॉडीगार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे गाड़ी के अंदर बैठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद उस इशू को खत्म कर दिया गया था। पीकू काफी खोई हुई लग रही थी, उसके चेहरे पर उसकी हार साफ दिखाई दे रही थी। उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि उसका हाल इतना बुरा होगा। पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने पीकू की तरफ अपने चेहरे पर एक ब्लंट एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और उसने मन ही मन में कहा, एक औरत ने अपने बदले की भूख में कई सारे वीडियोस एक साथ रिलीज कर दिए। उसे लगा कि जितना ज्यादा एविडेंस वो रिलीज करेगी, माही के लिए कमबैक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मगर वो भूल गई कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी, उतनी ज्यादा गलतियों के रिवील होने के चांसेस थे। पीकू ने अचानक पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर के हाथ को पकड़ते हुए इमोशनली उससे कहा, मैं मिस्टर विक्रम ओबेरॉय से मिलना चाहती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ने पीकू का हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं ही कभी भी मिस्टर विक्रम ओबेरॉय से मिल सकती हो? इतना कहने के बाद पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने अपने मन ही मन में कहा, हे भगवान, हमारे बॉस तो काफी प्रोटेक्टिव हैं, मैं कभी इस औरत को उनके सामने भेजने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। आखिर ये वही औरत है
जिसने हमारी लेडी बॉस के चेहरे का इस्तेमाल करके उनकी बदनामी करने की कोशिश की। ऐसे में अगर मैं इसे उनसे मिलवाऊं तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। तभी अचानक पीकू ने रोते हुए उससे कहा, मुझे फंसाया गया है, किसी ने मुझसे ये सब करवाया है, मुझे ये सब जबरदस्ती करना पड़ा। मैं माही को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्या भला कोई मिस्टर ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड को छेड़ने की हिम्मत कर सकता है? पीकू की कही ये बात सुनकर डायरेक्टर ने धीमी आवाज में उससे पूछा, किसी ने तुम्हें फोर्स किया, कौन है वो? पीकू ने डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टर से कहा, मैं मिस्टर विक्रम ओबेरॉय से मिलना चाहती हूँ, इसके बारे में मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहती हूँ। पब्लिक रिलेशन का डायरेक्टर काफी परेशान लगते हुए पीकू की तरफ देखने लगा और फिर उसने किसी कोने में जाकर विक्रम ओबेरॉय को फोन किया। कुछ देर के बाद विक्रम ओबेरॉय से बात करने के बाद उसने पीकू से कहा, चलो चलते हैं। उस आदमी की कही ये बात सुनकर पीकू काफी खुश लगने लगी और उसने कहा, क्या मिस्टर ओबेरॉय मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए? फिर पीकू तुरंत पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर के पीछे चलने लगी और वो उसके साथ एक कार के अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद पीकू ने तुरंत अपने बैग से मेकअप किट निकाली और अपने मेकअप को चेक करने लगी। उसने माही के उस मेकअप का इमिटेशन किया था। जब माही तैयार होकर गोल्डन फिल्म अवार्ड की सेरेमनी पर आई थी, उस दिन माही बाकी सारी खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस दिन के बाद से माही को क्वीन ऑफ रेड कार्पेट बुलाया जाने लगा था। पीकू ने आईने में अपनी शक्ल देखी और फिर धीरे से वो स्माइल करने लगी, जिसे उसने एक लंबे अरसे से प्रैक्टिस किया था। फिर उसने मन ही मन में कहा, इस चेहरे को भगवान ने खुद तराशा है और इस चेहरे की खूबसूरती वाकई में फ्लॉलेस है, मगर अब ये चेहरा मेरा है और अगर माही खुद मेरे सामने आ गई तब भी वो कभी मेरी तुलना नहीं कर पाएगी। पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और जब उसने पीकू को माही के चेहरे में स्माइल करते हुए देखा तो हालांकि वो चेहरा बेहद खूबसूरत था, मगर उस स्माइल को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी प्राइवेट क्लब के एक कमरे के अंदर जब पीकू ने अपने सामने विक्रम ओबेरॉय को देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी और उसने कहा, मिस्टर ओबेरॉय मैं। तभी अचानक पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ने पीकू की बात काटते हुए उससे कहा, फालतू की बातें मत करना, तुम मिस्टर विक्रम ओबेरॉय के सामने खड़ी हो तो उन्हें सिर्फ इतना बताओ कि वो कौन इंसान है जो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर को इस बात का डर था कि विक्रम ओबेरॉय पीकू के इस चेहरे से काफी नाराज हो जाएंगे। पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर की कही बात मानते हुए पीकू ने बोलना शुरू किया, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है, मुझे कॉन्टेक्ट करते वक्त वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा कर रखता है, मगर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं उसकी कही बात ना मानूं तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। सबसे पहले तो उसने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए फोर्स किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कई लोगों के साथ रात गुजारने के लिए कहा ताकि मैं माही को फ्रेम कर सकूं। अपनी बात कहते हुए पीकू विक्रम ओबेरॉय की तरफ ध्यान से देख रही थी और ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो काफी उदास और लाचार दिखने की कोशिश कर रही थी और ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे हालातों की वजह से वो मजबूर थी। पीकू की कही ये बात सुनकर पास में खड़े डायरेक्टर ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए मन ही मन ने कहा, ये कितनी छोटी लड़की है, भला अगर कोई इसे ये सब करने के लिए फोर्स भी कर रहा था तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे इसका भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ये औरत चाहती थी कि माही की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाए ताकि वो अपने इस चेहरे की मदद से विक्रम सर को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। मुझे तो ये भी लगता है कि उन लोगों से इसने काफी खुशी खुशी कोलैबोरेट किया होगा। अगर ये बात मुझ जैसा आदमी ही समझ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम सर भी ये बात अब तक समझ गए होंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये औरत इतनी बेवकूफ हो सकती है कि वो बॉस जैसे इंसान के सामने ऐसी बात करने की हिम्मत कर रही है। पीकू की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने अपना हाथ उठाया, फिर तभी अचानक दो लोग पीकू को वहां से बाहर ले जाने लगे। जब पीकू ने देखा कि उसके साथ क्या हो रहा था तो वो हैरान लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, विक्रम ओबेरॉय ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं और तो और उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की। पीकू हैरानी के मारे विक्रम को पुकारने लगी, मिस्टर ओबेरॉय मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। दरवाजे के बाहर से पीकू की आवाज फेड हो गई और पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ने कमरे के अंदर विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर उसे पूछा, बॉस अगर आप चाहो तो हम स्पेशल मेजर्स का इस्तेमाल करके इस लड़की को आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात साफ थी कि पीकू कुछ भी नहीं जानती थी और क्योंकि दूसरी पार्टी ने इस हद तक जाने की हिम्मत की तो वो पीकू की तरफ से कोई सबूत छोड़ने की बेवकूफी नहीं करेगी। पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने भी इसके बारे में सोचा और फिर उसने विक्रम ओबेरॉय से कहा, हमें पीकू से कुछ भी पता नहीं चलेगा। उस रिपोर्टर ने भी हमसे कहा कि वो पैसों के लिए इस बात को उछालने की कोशिश कर रहा था, मगर अब हमें क्या करना चाहिए? कहीं पीकू खुद तो ये सब नहीं कर रही थी? कहीं वो हमसे बचने के लिए ये कहानी तो नहीं बना रही थी? विक्रम ओबेरॉय ने फिर कहा, तुम अब जा सकते हो, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं किसी को अपॉइंट कर लूंगा। पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने हामी भरते हुए कहा, जी बॉस मैं समझ गया, मैं लेडी बॉस का ख्याल रखूंगा। पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, बॉस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि पीकू ने माही मैडम को फंसाने की, फ्रेम करने की और उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, तो डिफेमेशन केस में उसे कम से कम 3 से 5 साल की सजा हो सकती है।
और जिस चेहरे को उसने इतने कम समय में हील कर लिया है उसको मेंटेन करने के लिए उसे डेफिनेटली कुछ सर्जिकल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जेल में उसे ये सब मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से उसका ये चेहरा 6 महीनों के अंदर ही खराब हो जाएगा। विक्रम ओबेरॉय ने अचानक कमांड करते हुए कहा, उसे जाने दो। जब पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर ने विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया और उसने मन ही मन में कहा, क्या उसे जाने दो? कहीं विक्रम सर उस चेहरे को देखकर कमजोर तो नहीं पड़ गए? मगर ऐसा नहीं हो सकता, बॉस ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जो किसी लड़की के लिए अपना दिमाग खराब कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल भी था तब भी वो ये सब सिर्फ माही मैडम के लिए ही कर सकते हैं। उसने फिर विक्रम की बात समझते हुए पूछा, बॉस क्या आप चूहे को उसके बिल से निकालने के बारे में सोच रहे हो? वहीं दूसरी तरफ माही के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक का सबसे रिलैक्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शूटिंग लोकेशन पर वापस जाते हुए माही ने शर्मा कर सोनिया की तरफ देखते हुए उससे कहा, सोनिया जी आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। सोनिया माही के एप्रिशिएटिव एक्सप्रेशन की तरफ देखने लगी, हालांकि इस वक्त माही के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगा हुआ था, और तो और माही ने इस फिल्म के लिए जानबूझकर अपनी स्किन को सनलाइट के आगे एक्सपोज किया, जिसकी वजह से उसकी स्किन की कंडीशन काफी कमजोर हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद भी वो बेहद चार्मिंग लग रही थी। सोनिया ने जवाब देते हुए माही से कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया वो वाकई में बहुत कम था। माही ने फिर सोनिया से कहा, फिर भी मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ मेरी खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, थैंक यू सो मच। आमतौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग इस तरह की अननेसेसरी परेशानी से दूर रहना पसंद किया करते थे, ऐसे में जब माही ने देखा कि सोनिया अपनी मर्जी से माही की खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई, जबकि वो चाहती तो इस मामले से पूरी तरह से दूर रह सकती थी, तो माही सोनिया के लिए काफी शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। जब से माही सोनिया को जानने लगी थी उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो माही के लिए काफी केयरिंग थी, और इसकी वजह से माही को उसके पास बहुत अच्छा लगने लगा था। इसके बारे में सोचते हुए माही ने मन ही मन में कहा, अगर मैं एक मर्द होती तो मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी सोनिया की गुलामी करती। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइज किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही नेट से सारी वीडियोस गायब हो गए। पीकू की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर माही जैसा बनने की खबर हर जगह फैल गई थी, और ये बात माही के फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद से ही थोड़ी सी काम डाउन होने लगी। माही ने मुस्कुराकर सोनिया की तरफ देखते हुए उससे कहा, सोनिया जी फाइनली अब हम लोग वापस जा सकते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि कल रात आप डिनर पर मेरे घर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी शूटिंग को रैप अप करने से पहले माही ने सोनिया को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया। माही इस मूवी के प्रोग्रेस की वजह से सोनिया को ठीक तरीके से थैंक यू नहीं बोल पाई, और इसलिए वापस जाते ही वो सबसे पहले सोनिया की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। सोनिया ने उदास लगते हुए माही की तरफ देखकर उसे कहा, कल रात माही कल रात मुझे कुछ काम है, क्या हम किसी और दिन अपना ये प्रोग्राम सेट कर सकते हैं? माही ने तुरंत जवाब देते हुए सोनिया से कहा, हाँ बिल्कुल, जब भी आप फ्री हो आप मुझे बता देना। माही ने फिर मन ही मन में कहा, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो सोनिया के वापस लौटने के इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए मुझे उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। माही ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो अपने कमरे में वापस लौट गई। फिर उसने विक्रम ओबेरॉय को कॉल किया। फोन पर माही ने विक्रम ओबेरॉय से कहा, डार्लिंग मैं कल घर वापस आ रही हूँ। विक्रम ओबेरॉय ने फोन के दूसरी तरफ से जवाब देते हुए माही से कहा, मैं मोहित से कह दूंगा, वो तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेगा, रात को मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मगर मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान देना। अगले दिन शहर के किसी रेस्टोरेंट में एक वेटरेस ने प्रेम ओबेरॉय की तरफ देखकर उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस्टर प्रेम, आज आप यहाँ किस पर्पस से आए हो? हम आपकी अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग करवा देंगे। प्रेम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ डिनर पर आया हूँ, मुझे कमरा चाहिए। प्रेम ओबेरॉय थोड़ा सा नशे में लग रहा था। प्रेम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर वेटरेस ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर प्रेम, आपका कमरा आज रात के लिए ऑलरेडी बुक हो चुका है। प्रेम ओबेरॉय ने इस बात से नाराज लगते हुए कहा, बुक हो चुका है? किसने बुक किया है? मिस्टर विक्रम ओबेरॉय ने बुक किया है। वेटरेस की कही ये बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय काफी हैरान लगने लगा और उसने कहा, मेरे भाई ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, आज तो भाभी वापस आने वाली थी, तो भला मेरी भाभी से ज्यादा कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो उन्हें पिक करने तक नहीं गए, यहाँ तक कि भैया यहाँ पर डिनर करने भी आए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम मुंबई टावर था और इस रेस्टोरेंट में एक कमरा एक्सक्लूसिवली ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के लिए बुक रहता था। उनकी डील ये थी कि वो कमरा किसी भी वक्त और किसी भी समय ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए था। प्रेम ओबेरॉय ने क्यूरियसली उस वेटरेस की तरफ देखकर पूछा, मेरा भाई यहाँ पर किसके साथ आया है? प्रेम ओबेरॉय का ये सवाल सुनकर वेटरेस हिचकिचाने लगी। ये देखकर प्रेम ओबेरॉय ने दोबारा पूछा, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो?
वो वेट्रेस ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों ओबेरॉय भाई एक दूसरे से कितने करीब थे, तो इसीलिए उसे लगा कि प्रेम ओबेरॉय से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। और उसने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, यहां मिस सोनिया के साथ आए हैं। प्रेम ओबेरॉय को एकदम से कुछ याद नहीं आया और उसने पूछा, मिस सोनिया? कौन मिस सोनिया? वेट्रेस ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए प्रेम ओबेरॉय से कहा, मिस्टर विक्रम ओबेरॉय की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड। वेट्रेस के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि वो ये कहना चाहती थी कि वो इसके बारे में सब जानती थी और प्रेम ओबेरॉय को उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। इस बात से प्रेम ओबेरॉय ने हैरान लगते हुए पूछा, तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरी होने वाली भाभी का नाम सोनिया है? प्रेम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर वो वेट्रेस दंग रह गई और उसने पूछा, तो क्या वो फिल्म स्टार मिस सोनिया मिस्टर विक्रम ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड नहीं है? वेट्रेस की कही ये बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय दंग रह गया और उसने कहा, वो फिल्म स्टार सोनिया, तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाने लगी हो। जब वेट्रेस ने देखा कि प्रेम ओबेरॉय नाराज हो रहा था तो उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अच्छा शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, मिस्टर विक्रम ओबेरॉय आज शाम सोनिया मैम के साथ यहाँ आए थे तो मुझे लगा कि वही उनकी गर्लफ्रेंड थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। विक्रम ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड कौन थी वो अभी भी एक बहुत बड़ा राज था। कई लोगों को इस बात का अंदाजा था कि वो लड़की जरूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा थी और सिर्फ गिनी चुनी लड़कियां ही मिस्टर विक्रम ओबेरॉय की मैच की थी। उन गिनी चुनी लड़कियों में से सोनिया की पॉसिबिलिटी सबसे हाई थी, तो इसीलिए उस वेट्रेस को लगा कि क्योंकि विक्रम ओबेरॉय सोनिया के साथ मीटिंग पर आए थे तो वही उनकी गर्लफ्रेंड होगी। मगर जल्दी उसे पता चला कि उसे गलतफहमी हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर विक्रम ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड कौन हो सकती थी। वेट्रेस की पूरी बात सुनने के बाद प्रेम ओबेरॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मेरा भाई इस वक्त फिल्म स्टार सोनिया के साथ है? प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, भैया सोनिया के साथ क्या कर रहे हैं? हाल ही में ओबेरॉय कॉर्पोरेशन को थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से सारे बड़े स्टेक होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा था और सोनिया के पास इस वक्त ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के 5% शेयर्स हैं। कहीं भैया इसी सिलसिले में सोनिया के साथ कोई मीटिंग तो नहीं करना चाहते हैं? प्रेम ओबेरॉय ने फिर वेट्रेस की तरफ देखकर कहा, थैंक यू, मैं समझ गया। फिर प्रेम ओबेरॉय अपनी सोच में डूबे हुए इधर उधर घूमने लगा और फिर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो आखिरकार कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके शार्प सेंसेस की वजह से उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये मीटिंग इतनी भी सिंपल नहीं थी। उसी वक्त कमरे के अंदर विक्रम ओबेरॉय ने सोनिया की तरफ देखकर कहा, पिछली बार आपकी हेल्प के लिए थैंक यू मिस सोनिया। सोनिया ने मुस्कुराकर विक्रम ओबेरॉय से कहा, यू आर वेलकम मिस्टर विक्रम, मैं माही की हर हाल में मदद करूंगी। जब विक्रम ओबेरॉय ने सोनिया का ये जवाब सुना तो उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा। सोनिया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, माही और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, मैं उसे बहुत पसंद करने लगी हूँ। इस इंडस्ट्री में माही जैसी लड़कियां काफी रेयर हैं। वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी एक्टिंग को लेकर काफी पैशनेट है और वो खुद काफी खूबसूरत भी है। इतना ही नहीं, वो हमेशा ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करती है और सच्चाई का साथ देने से कभी नहीं डरती। यहां तक कि ये जानने के बाद कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, मगर उसने कभी आपका नाम यूज करने की कोशिश तक नहीं की। वो वाकई में काफी क्यूट है। एक तरफ सोनिया बोलती रही मगर विक्रम ओबेरॉय चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और उसने एक बार भी उसकी बात नहीं काटी। तभी अचानक सोनिया ने बात बदलते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, क्या आप जानते हो कि किसी ने ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के मेरे 5% के हिस्से के शेयर्स को खरीदने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर प्लेस किया है? सोनिया की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए कहा, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में कुछ ऐसे लोग थे जो विक्रम और उसकी टीम के सपोर्ट में ही थे, मगर सोनिया जैसी कुछ न्यूट्रल पार्टीज थी जो काफी वैल्यूएबल टारगेट थे, तो उसका ये ऑफर काफी एक्सपेक्टेड था। यही वजह थी कि विक्रम आज सोनिया से मिलना चाहता था। कमरे के बाहर जब प्रेम ओबेरॉय ने उन दोनों की बातें सुनी तो वो काफी घबराने लगा और उसने मन ही मन में कहा, डैम इट, तो ये वाकई में शेयर्स की बात करने के लिए मिले हैं? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सोनिया ने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को स्वर्ल करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने शेयर्स बेच देने चाहिए या नहीं। सोनिया को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो कोई हिंट देने की कोशिश कर रही थी, मगर विक्रम ओबेरॉय ने स्ट्रेट फॉरवर्डली सोनिया से पूछा, मुझे अपनी कंडीशंस बताओ। विक्रम ये बात अच्छी तरह से जानता था कि क्योंकि सोनिया विक्रम ओबेरॉय से मिलना चाहती थी तो ये बात साफ थी कि वो विक्रम ओबेरॉय से नेगोशिएट करके उससे कुछ हासिल करना चाहती थी। बाहर खड़ा प्रेम ओबेरॉय भी इस बात से बेहद नर्वस लगने लगा और उसने मन ही मन में कहा, व्हाट द हेल, शायद मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। आफ्टर ऑल सोनिया जैसी कई औरतें हैं जो ओबेरॉय परिवार का एक हिस्सा बनने की कोशिश करती रहती हैं। क्या अब सोनिया भैया को प्रपोज करने की कोशिश करेगी? सोनिया ने जवाब देते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, सच कहूं तो मुझे पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्टिंग तो अब सिर्फ मेरा टाइम पास बन चुका है, मगर हाल ही में मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं सच में हासिल करना चाहती हूँ। सोनिया ने पेशेंटली विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, मैं जो चाहती हूँ वो। इस पॉइंट पर दरवाजे के बाहर खड़े प्रेम ओबेरॉय की हालत बहुत खराब हो रही थी और वो घबराहट के मारे कांप रहा था। प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, डैम इट, मुझे तो इसी बात करना था, मैं ये बात पहले ही समझ गया था, सोनिया मेरे भाई से शादी करना चाहती है। अब सोनिया यही बोलने वाली है कि मेरा भाई उसे शादी कर ले। कमरे के अंदर सोनिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं जो चाहती हूँ वो
माही है। सोनिया की कही ये बात सुनकर दोनों विक्रम ओबेरॉय और प्रेम ओबेरॉय दंग रह गए। प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, क्या ये सोनिया ने अभी अभी क्या कहा? कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? सोनिया की कही बात सुनकर बाहर खड़े हैरान प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, जिस इंसान को सोनिया पसंद करती है वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरी माही भाभी है। ये तो किसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म के ट्विस्ट जैसा लग रहा है। मैंने तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी। बाहर खड़े प्रेम ओबेरॉय को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई बिजली का झटका लग गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंदर इतना कुछ हो रहा था और उसने मन ही मन में कहा, मेरी माही भाभी तो वाकई में कमाल की है। इस वक्त अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उनके आगे घुटने टेक लेता। मुझे तो अपने भाई के लिए अभी बहुत बुरा लग रहा है। कमरे के अंदर कम से कम 10 सेकंड का सन्नाटा था। फिर अचानक विक्रम ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन खड़ूस बन गया और उसने सोनिया की तरफ देखकर कहा, माही कोई चीज नहीं है। इस पॉइंट पर विक्रम ओबेरॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने माही की खातिर अपने गुस्से को दबाकर रखने का फैसला किया। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर सोनिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आप जानते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपने माही को क्यों चुना। वो काफी क्यूट और चार्मिंग है और आप माही के आउटवर्ड अपीयरेंस को काफी पसंद करते हो। अगर ये बात है तो इस वक्त आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऐसा कहते हुए सोनिया ऑब्वियसली पीकू की बात कर रही थी। फिर उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, मगर रही बात माही की, तो वो अपने सपने पूरे करने के लिए पैदा हुई है। उसका जन्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके फैंस की वजह से हुआ है। वो किसी की पेट या फिर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बनने के लिए नहीं बनी है। सोनिया की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय ने उसे कहा, माही कोई पेट नहीं है, ना ही वो मेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। माही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ। सोनिया ने विक्रम ओबेरॉय के इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की और उसने थोड़ी सी परेशान लगते हुए कहा, अगर ये बात है तो आई होप आप ये बात समझते हो कि आप माही के लिए करेक्ट चॉइस नहीं हो और आप माही को वो नहीं दे सकते जो वो असल में डिजर्व करती है। और रही बात मेरी, तो मैं उसे उसकी मनचाही ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हूँ। इस पॉइंट पर अचानक दरवाजे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अपनी हैरानी के बीच प्रेम ओबेरॉय गलती से रूम के अंदर गिर गया। सोनिया और विक्रम ओबेरॉय दरवाजे की तरफ देखने लगे और उन दोनों के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन छाया हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर प्रेम ओबेरॉय उठकर खड़ा हुआ और उसने ऑकवर्डली अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और एक्सीडेंटली यहां गिर गया। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। इतना कहने के बाद प्रेम ओबेरॉय वहां से भाग गया, मगर कुछ देर के बाद वो दौड़ते हुए वापस लौटा और उसने कमरे के अंदर देखते हुए कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा मिस सोनिया, आपको एक चीज की गलतफहमी हुई है। माही भाभी का सपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचने का है, मगर जिस वजह से वो अपने इस सपने को पूरा करना चाहती है वो ये है ताकि वो मेरे भाई से शादी कर सके। इतना कहने के बाद प्रेम ओबेरॉय दोबारा वहां से भाग गया। प्रेम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर सोनिया की बोलती बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि नेहा जल्दी ही इंडिया छोड़कर जाने वाली थी तो माही ने उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने का फैसला किया क्योंकि आज उसके पास और कोई काम नहीं था। माही ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा क्या तुम जानती हो मुंबई टावर के डिशेस वाकई में बहुत टेस्टी है। ऐसा टेस्ट तुम्हें अब्रॉड में कभी नहीं मिलने वाला, तो बेहतर होगा कि तुम आज रात जितना मन चाहे उतना अच्छा खाना खा लो। नेहा और माही रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे और तभी अचानक वो दोनों दो लोगों से टकरा गए। उन दोनों की तरफ देखकर माही ने मन ही मन में कहा, विक्रम और सोनिया जी। जब माही ने विक्रम और सोनिया को कमरे के बाहर निकलते हुए देखा तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मीटिंग के बारे में सोनिया जी मुझे बता रही थी वो विक्रम के साथ थी और जिस अपॉइंटमेंट के बारे में विक्रम ने मुझे बताया वो सोनिया जी के साथ था। माही काफी देर तक कंफ्यूज लगती रही और फिर कुछ देर बाद वो अपने होश में लौटी और उसने तुरंत कहा, विक्रम सर सोनिया जी कितने इत्तेफाक की बात है आप दोनों भी यहाँ डिनर पर आए हो। हालांकि माही के बोलने का तरीका काफी नॉर्मल था मगर उसके चेहरे पर काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। माही के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर विक्रम थोड़ा सा परेशान लगने लगा और वो माही के रिएक्शन को देखकर समझ गया कि माही को कोई गलतफहमी हो गई थी। मगर क्योंकि इस वक्त माही को कुछ भी एक्सप्लेन करना सही नहीं था तो उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ हम कुछ बिजनेस के सिलसिले में मिले थे। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर माही ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा अच्छा मैं भी यहाँ पर नेहा के साथ डिनर पर आई थी। विक्रम ओबेरॉय ने माही के बालों को सहलाते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। माही ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। इतनी सी बात करने के बाद दोनों पार्टीज अपने अपने डायरेक्शन की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद माही खुद को रोक नहीं पाई और वो पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखने लगी। हालांकि सोनिया विक्रम ओबेरॉय से उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी मगर उसने खुद को बेहद अच्छी तरह से मेंटेन किया था। ऐसे में अगर सोनिया किसी से ये कहती कि उसकी उम्र 22 से 25 साल के करीब थी तो कोई उसकी बातों पर बिल्कुल शक नहीं करेगा। इसके बावजूद भी जो एटीट्यूड सोनिया कैरी किया करती थी वो किसी आम लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। इस पल में जब सोनिया विक्रम ओबेरॉय के पास खड़ी थी तो उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दो रॉयल फिगर्स एक दूसरे के पास खड़े थे। ये देखकर माही ने मन ही मन में कहा, मैं एग्जैक्टली यही बनने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि एक दिन मैं भी विक्रम ओबेरॉय के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सकूं।
माही उन दोनों की तरफ काफी देर तक देखती रही और उसे लगा कि उसने उन दोनों को कुछ बोलते हुए सुना। सोनिया ने विक्रम ओबेरॉय से कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आज रात मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसको लेकर मैं काफी सीरियस हूँ। आई होप कि आप एक बार इस बात को कंसिडर करेंगे। सोनिया की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिनर करने के लिए जब माही और नेहा एक प्राइवेट रूम के अंदर गए तो माही काफी खोई हुई लग रही थी। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ नेहा ने ऑब्वियसली सब कुछ नोटिस कर लिया था और उसने घबराते हुए कहा, माही क्या तुम ठीक हो? अभी कुछ देर पहले मिस्टर ओबेरॉय ने तुमसे कहा ना कि वो सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा की कही ये बात सुनकर माही ने टेबल पर अपना सर रख दिया और उसने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा ने देखा कि माही काफी इमोशनल हो रही थी तो वो माही को कंसोल करना चाहती थी, मगर फिर माही ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी रोल मॉडल सोनिया जी मेरे डार्लिंग विक्रम के साथ बहुत अच्छी लग रही थी ना, तुम बताओ नेहा क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? माही का यह सवाल सुनकर नेहा उसे कोई जवाब नहीं दे पाई और वो अपनी नजरें चुराने लगी। नेहा के ऐसे रिएक्शन को माही ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखकर माही ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने काफी उदास लगते हुए कहा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सोनिया जी के साथ मेरी दोस्ती खत्म होने वाली है। इस पॉइंट पर माही की कही ये बात सुनकर नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। नेहा ने परेशान लगते हुए मन ही मन में कहा, इस लड़की को इस बात की टेंशन नहीं हो रही है कि विक्रम ओबेरॉय इससे दूर हो जाएगा, बल्कि उसे इस बात की टेंशन हो रही है कि सोनिया जी के साथ इसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। शायद माही के सबकॉन्शियस में वो इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि कोई विक्रम ओबेरॉय को उससे कभी दूर नहीं कर सकता। शुरू में नेहा इस बात से काफी परेशान रहने लगी थी कि माही विक्रम ओबेरॉय को डेट करती थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा वो समझने लगी कि विक्रम ओबेरॉय इस रिलेशनशिप में माही जितना ही सीरियस था और नेहा को उन दोनों के बीच इतना भरोसा देखकर काफी अच्छा लगता था। प्लैटिनम पैलेस में विक्रम अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था और प्रेम ओबेरॉय उसके सामने जाकर बैठ गया। लिविंग रूम के सोफे पर प्रेम ओबेरॉय ने देखा कि उसके भाई के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी काला पड़ चुका था और वो बहुत परेशान लग रहा था। प्रेम ओबेरॉय के चेहरे पर सिंपैथी भरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था और उसने मन ही मन ने कहा, सोनिया जो कि माही को मेरे भाई से दूर करने की कोशिश कर रही थी वो अब माही के काफी करीब जा चुकी है और माही और सोनिया के बीच का रिश्ता काफी स्ट्रांग हो चुका है। इसके बारे में सोचते हुए प्रेम ओबेरॉय अपने भाई के पास गया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया ये सब मेरी गलती है कि मैंने सोनिया की पूरी जानकारी ठीक तरीके से नहीं निकाली, मगर सोनिया ने ये बात काफी अच्छे तरह से छुपाई रखी थी, भला इस बात की उम्मीद कौन कर सकता था कि वो दोनों मर्दों में और औरतों में इंटरेस्टेड होंगी। जैसे ही प्रेम ओबेरॉय ने ये बात कही तो वो अपने भाई की तरफ ध्यान से देखने लगा और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आपका ये बात जानना काफी जरूरी है, माही भाभी के दिल में सोनिया की जगह काफी स्पेशल है, अगर ये औरत आपको इस काम के लिए मना नहीं पाई तो शायद वो डायरेक्टली माही भाभी को ही अप्रोच करेगी और उस वक्त मुझे इस बात का डर है कि माही भाभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। जैसे ही प्रेम ओबेरॉय ने अपनी ये बात कही तभी अचानक विक्रम ओबेरॉय ने उसकी तरफ गुस्से में घूरते हुए देखा। अपने भाई के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर प्रेम ओबेरॉय तुरंत पीछे हट गया, मगर उसने किसी तरह दोबारा हिम्मत जुटाते हुए कहा, भैया प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, चाहे जो भी हो मैंने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी वक्त गुजारा है तो मैं जानता हूँ कि एक फैन के लिए उसका सुपरस्टार कितने मायने रखता है। मैं कई बार ऐसा होते हुए देख चुका हूँ कि अपने सुपरस्टार के सामने लाइफ पार्टनर को भी पीछे हट जाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में प्रेम ओबेरॉय अपने भाई से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इस बार विक्रम ओबेरॉय को एक तगड़ा कॉम्पिटिशन मिला था। अपना डिनर खत्म करने के बाद माही ने नेहा को उसके घर ड्रॉप किया और फिर वो विक्रम से मिलने प्लैटिनम पैलेस चली गई। रास्ते में माही के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे और वो बेहद परेशान थी, जिसकी वजह से वो घर जाकर बनी से मिलकर अपना स्ट्रेस दूर करना चाहती थी, मगर फिर उसे अचानक याद आया कि बनी अभी भी अपने दादा दादी के घर ओबेरॉय रेजिडेंस पर था। इसके बारे में सोचते हुए माही अचानक बहुत उदास लगने लगी। फिर जब वो घर पहुंची तो सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। देखते ही देखते वो सोफे पर लेट गई और फिर अचानक उसने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी और पीछे से विक्रम ओबेरॉय की आवाज आई, तुम यहां क्यों लेटी हुई हो? जब माही मुड़ी तो उसने देखा कि विक्रम ओबेरॉय अभी अभी नहाकर निकला था और उसने अपना नाइट सूट पहना हुआ था। विक्रम को इस तरह देखकर माही की आंखें चमकने लगी, मगर फिर अचानक उसने अपने गाल फुला लिए और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत नाराज थी। विक्रम ओबेरॉय माही के करीब गया और वो उसके पास बैठ गया। फिर उसने माही की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? माही ने तेजी से अपना सर हिलाते हुए हामी भरी। विक्रम ओबेरॉय ने माही से पूछा, क्या तुम सोनिया की वजह से परेशान हो? माही ने दोबारा अपना सर हिलाते हुए हामी भरी। इस पॉइंट पर विक्रम ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो माही को पूरी सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे, मगर तभी अचानक माही ने नाराज लगते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी रोल मॉडल जो कल तक मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी वो अचानक मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी है, अब मैं उनसे अपनी दोस्ती कंटिन्यू कैसे कर सकती हूँ, अब तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। माही की कही ये बात सुनकर ये साफ हो चुका था कि जो परेशानी प्रेम के मन में थी वही परेशानी इस वक्त माही के मन में चल रही थी। उन दोनों को भी ऐसा लगा कि सोनिया विक्रम ओबेरॉय को पसंद करती थी। जब विक्रम ओबेरॉय ने माही की कही ये बात सुनी तो वो हैरान लगने लगा
और उसने मन ही मन में कहा, मेरी प्यारी माही, तुम अपनी सोच में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे ये कैसे कहूं कि सोनिया मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्योंकि माही बहुत परेशान थी तो इसीलिए उसने विक्रम ओबेरॉय के चेहरे का अनयूजुअल एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किया। वो अभी भी बहुत उदास महसूस कर रही थी और उसने मन ही मन में कहा, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं मगर किसी और को नहीं बल्कि सोनिया जी को ही मुझसे नफरत करनी पड़ेगी। सोनिया जी को तो मैं हमेशा से ही बहुत एडमायर करती रही मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझसे ज्यादा सोनिया जी ही विक्रम के साथ सुटेबल लगती है। जब विक्रम ओबेरॉय ने माही को इस कंफ्यूजन की हालत में देखा तो उसने एक गहरी सांस ली मगर अंत में उसने माही को सच बिल्कुल नहीं बताया। इसके बारे में सोचते हुए विक्रम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, आफ्टर ऑल ये बात उस इंसान की है जिसे माही हमेशा से ही एडमायर करती हुई आई है और मैं नहीं चाहता कि माही का सोनिया के लिए अफेक्शन किसी वजह से खराब हो जाए। विक्रम ओबेरॉय ने माही की तरफ देखते हुए कहा, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, तो अगली बार ध्यान रखना और सोनिया के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना। माही को लगा कि विक्रम ओबेरॉय की बातें पूरी तरह से सेंसिबल थी और उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई। फिर माही ने मन ही मन में कहा, वैसे भी इस तरह का रिश्ता निभाना काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। माही ने विक्रम ओबेरॉय के कंधे पर अपना सर रखा और विक्रम पेशेंटली उसको कंसोल करता रहा। फिर उसने माही से कहा, आज के बाद से कोशिश करना कि तुम सोनिया से अकेले वक्त बिताना अवॉइड करो, ठीक है? ठीक है। विक्रम ने दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रात के 10 बजे के बाद से उसकी कोई इन्विटेशन एक्सेप्ट मत करना। माही ने दोबारा जवाब देते हुए कहा, ठीक है। फिर विक्रम ओबेरॉय ने कहा, कोशिश करना कि तुम किसी तरह का टच या फिर बॉडीली कॉन्टेक्ट भी सोनिया से अवॉइड करो। इस पॉइंट पर माही ने मुंह बनाते हुए विक्रम से पूछा, अरे पहली दो बातें तो समझ में आती है मगर ये तीसरी वाली क्यों? माही ने मन ही मन में कहा, हम दोनों ही लड़कियां हैं और लड़कियों का आपस में टच होना तो काफी नॉर्मल है ना, विक्रम इसके लिए मुझे मना क्यों कर रहे हैं? विक्रम ओबेरॉय ने कैजुअली एक्सप्लेन करते हुए माही से कहा, ताकि हमारे बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए। विक्रम की कही ये बात सुनकर माही अपना सर खुजाने लगी और उसने मन ही मन में कहा, बस इतनी सी बात है मगर इन तीनों चीजों के बारे में एक साथ सोचने पर सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? रहने दो, शायद मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फिर माही ने विक्रम ओबेरॉय को गले लगाया और उसकी आंखें नम पड़ गईं। उसने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, डार्लिंग मैं बनी को बहुत मिस कर रही हूं। विक्रम ओबेरॉय ने तुरंत माही से पूछा, क्या कल तुम काम पर जा रही हो? माही ने तुरंत चमकती हुई आंखों से जवाब देते हुए विक्रम से कहा, नहीं कल मेरी छुट्टी का दिन है तो कल नेहा को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। माही की कही ये बात सुनकर विक्रम ने माही से कहा, ठीक है तो कल मैं बनी को घर वापस ले आऊंगा। जैसे ही माही ने सुना कि वो कल अपने प्यारे बनी से फाइनली मिल पाएगी तो माही अपनी सारी परेशानियों के बारे में तुरंत भूल गई। शहर के किसी बार के प्राइवेट रूम के अंदर सोनिया ने अपने हैंड बैग में से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे कैजुअली टेबल के ऊपर रख दिया। फिर उसने अपने लिए एक सिगरेट जलाई और उसका धुआं उड़ाने लगी। उसके सामने बैठे टिम की नजरें उसी कॉन्ट्रैक्ट पर थीं और फिर कुछ देर बाद उसने टेबल पर रखे उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में उठा लिया। वो धीरे धीरे उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पेज पर उसने देखा कि उस पर पहले से ही साइन कर दिए गए थे, जिसे देखकर वो काफी हैरान लगने लगा। यश सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। उसने एक नजर कॉन्ट्रैक्ट पर डाली और उसने हैरान लगते हुए सोनिया से पूछा, क्या मिस सोनिया, क्या आपने अपना इरादा बदल दिया है? सोनिया ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए यश की तरफ देखकर उसे कहा, मिस्टर यश ने मेरे सामने ऑफर रखा था तो मुझे मना करने की कोई वजह ही नहीं मिली, मैंने सही कहा ना? सोनिया की कही ये बात सुनकर यश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने मन ही मन में कहा, इसे क्या लगता है कि मैं इसकी बात मान लूंगा? अगर सोनिया इसी वजह से अपने हिस्से के शेयर्स मेरे नाम कर देती तो वो इस बात को इतने टाइम तक ड्रैग नहीं करती। फिर यश ने सोनिया की तरफ देखकर उसे कहा, किसने सोचा होगा कि आप भी ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू बनना चाहती हो? हालांकि यश ने अपने शब्द ध्यान से चुने थे मगर उसके कहने का मतलब ये था कि सोनिया इन 5% शेयर्स को यूज करके विक्रम ओबेरॉय को हासिल करना चाहती थी मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई। यश की कही ये बात सुनकर सोनिया ने यश की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसे कहा, हालांकि मैं जरूर विक्रम ओबेरॉय से कुछ पाना चाहती हूँ मगर वो खुद विक्रम ओबेरॉय नहीं है। सोनिया की इस बात से यश थोड़ा सा कंफ्यूज लगने लगा। यश के इस एक्सप्रेशन की तरफ देखकर सोनिया की आंखें चमकने लगी और उसने जवाब देते हुए यश से कहा, मिस्टर यश क्या आप विक्रम ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड को जानते हो? सोनिया की कही